साथियों, मेरा स्पष्ट मान रहा है कि अगर बेटियां सशक्त होगी तो समाज सशक्त होगा। यही कारण है कि बीते 4.5 वर्षों के दौरान जितनी भी बड़ी योजनाएं या कार्यक्रम बनाए गए उनमें महिला सशक्तिकरण एक बड़ा दे रहा है। हमारी सरकार का प्रयास महिला जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ देने का रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बच्चियों की जनसंख्या में सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से बहनों को धुएं से मुक्ति मिली है। राष्ट्रीय पोषण अभियान और प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से प्रसूता माताओं के जीवन पर आने वाला खतरा कम हुआ है। बेटियों पर बलात्कार जैसे अत्याचार करने वालों को फांसी तक की सजा का प्रावधान भी पहली बार हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं उसमें भी वो घर महिलाओं के नाम पर ही रजिस्ट्री होते हैं। महिलाओं के नाम पर ही घर मिले इसी को प्राथमिकता दी जाती है। वरना हमारी समाज रचना ऐसी है कि परिवार में जमीन है तो पति के नाम पर, गाड़ी है पति के नाम पर, बंगला दुकान घर कुछ भी है पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो सारा का सारा बेटे के नाम पर। महिला के नाम पर कुछ होता ही नहीं है। हमने इस परिस्थिति को बदलने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सारे घर महिलाओं के नाम देने का निर्णय कर लिया। साथियों, पहली बार बेटियों को किचन के दायरे से बाहर योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में पहली बार बेटियां फाइटर पायलट बनी है। अब तो मिलिट्री पुलिस में भी बेटियों की भर्ती की जा रही है। कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात शिशुओं के अच्छी तरह लालन पालन के लिए पर्याप्त समय मिल सके इसके लिए मैटरनिटी लीव को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया है। इसी तरह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 15 करोड़ ऋण से लगभग 11 करोड़ यानी करीब करीब 75% ऋण महिला उद्यमियों को मिले हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लगभग 6 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 75,000 करोड़ रुपए से अधिक ऋण उपलब्ध कराया गया है। ये राशि वर्ष 2014 के पहले के 4 वर्षों में दिए गए ऋण से 2.5 गुना ज्यादा है। साथियों, इस साल के बजट में भी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं, चाहे वो आंगनबाड़ी या आशा वर्कर हो, राष्ट्रीय पोषण मिशन हो, बच्चों से जुड़ी योजनाएं हो, इनका विशेष ध्यान आपने बजट में देखा होगा।